सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रेती बंदर पर भयानक सड़क हादसे में एक लड़की और एक लड़के की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लड़का मुंब्रा के अमृत नगर का रहने वाला है, जिसका नाम सैयद अमान हुसैन मेहताब हुसैन, उम्र 19 से 20 साल बताई जा रही है। लड़की डोंबेवली की रहने वाली थी, जिसका नाम अर्चना बताया जा रहा है। इसकी भी उम्र लगभग 20 साल के आसपास बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात 9 बजे के आसपास में बारिश के दौरान थाने से जॉब से छूटने के बाद एक ही बाइक पर अमान और अर्चना मुंब्रा की तरफ आ रहे थे, मगर रेती बंदर के पास एक ट्रक की चपेट में आ गए और दोनों की बहुत ही बुरी तरह से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कलवा पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नयू। नहीं भाई, ये हादसा हुआ, आपने पूरा देखा था, आपने ही एम्बुलेंस में डेड बॉडी को डाला है, तो कैसे हुआ और कब हुआ? ये लगभग कुछ 9 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग रेती बंदर से हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे ट्रक वाले को मार रहे थे, तो मैं वहाँ पे पूछा बाकी लोगों को कि क्यों मार रहे इसको, तो उसने क्या बोला कि बोले भाई वहाँ पे ना एकदम दो बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी, उसने कुचल के आया है। हम लोग फौरन बारिश होती है ऐसी गाड़ी चलाते भीगते भी तो आए, अभी बॉडी पड़ी हुई थी और पूरे पब्लिक यहाँ पे सब रुकी हुई थी और पूरी ट्रक ये सब खड़ी हुई थी, गाड़ी पूरी ट्रैफिक जाम थी। तो हम लोगों ने क्या किया, दो जन मैं और मेरा दोस्त मिलके पहले ट्रैफिक खाली किए, क्योंकि ट्रैफिक भरने से पूरा तीन पाँच चीज चा 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 होते रहेगा। हम लोग उन्हें खाली किया, फिर बाद में पूरा उन लोगों को डॉक्यूमेंट चेक किए, उनके डॉक्यूमेंट कुछ मिलेंगे तो कॉल करेंगे उनके घर वाले को, तो गाड़ी ऐसा बैग में कुछ मिला नहीं, मोबाइल से दो मोबाइल मिले, उसके दोनों का डिस्प्ले टूट गया था। तो बाद में क्या हुआ, भाई लोगों को दिमाग चला, तो उसके बाद अपना आरसी बुक मिली गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर आरसी बुक का एड्रेस मिला, एड्रेस के बाद लोकेशन बाय लोकेशन ना किसी दोस्त यार को कॉल किए, तो घर पर भेजे, घर पर नहीं पता चला कि इस जगह अपने ये बंदा यहाँ का रहने वाला, तो उनको घर पर फौरन फोन किया गया, अस्पताल इन्फॉर्म किया, तो उनको बोला गया कि अपने शिवाजी अस्पताल में लेके गए जाए। कितने थे मानने वाले जिंदा डेथ हुए, कितने लोग थे? दो लोग, एक लेडीज एक जेंट्स, वो जॉब से आ रहे थे, जॉब से आ रहे थे, जॉब से आ रहे थे। तो आपने जब आरसी बुक देखा तो कहाँ की थी वो आरसी बुक? एक आरसी बुक अपना यहाँ का दिखा रहा है, अपना शिमला पारा, शिमला मतलब मुंब्रा का ही थे, मुंब्रा का, एक मुंब्रा का था और एक नॉन मुस्लिम लड़की थी, उसका नाम अर्चना और कुछ था, अर्चना, अर्चना नाम था, अर्चना। और लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम तो देखा नहीं मैंने, क्योंकि उन लोगों को दोनों उसने मिसाइल देखा था, जान नहीं आरसी बुक उन लोग देखा, लड़की लोगों ने कॉल करके बुला लिया नियर बाय वालों को। अच्छा, पुलिस कर्मचारी कितने देर में आए थे यहाँ? पुलिस कर्मचारी कम से कम आधा घंटा लगा, आधा घंटा लगा। हम लोग कॉल नहीं कर, कोई लगा रहे थे तो हम लोग खुद अपने लगे हुए थे, क्योंकि डेड बॉडी पड़ी है, भले कोई भी हो अपने को उसको देखना काम है, क्योंकि उन लोगों का पूरा फसला पूरा बहुत बाहर आ गया। तो अभी कहाँ लेके गए थे? अभी उनको लेके गए शिवाजी हॉस्पिटल, शिवाजी के लिए घर वाले को इन्फॉर्म कर दिया, घर वाले भी पहुंचते होंगे, उसको ट्रक ड्राइवर को अपने चौकी में जमा कर दिए। कौन सी चौकी में? अपना ये मुंब्रा चौकी, मुंब्रा चौकी है, कलवा चौकी का आइडेंट कर देता हूँ मैं, इधर मुजफ्फर मौजूद था, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि चौकी में लोग उसको भेज दिए।